विगत दिवस गुना दौरे पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जज्जी बस स्टैंड का लोकार्पण किया गया। इस दौरान जज्जी बस स्टैंड के लोकार्पण के साथ ही 21 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन सिंधिया के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि जज्जी बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस दौरान उनके साथ पंचायत ग्रामीण मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, गुना विधायक गोपीलाल जाटव के साथ भाजपा के कई नेता मौजूद थे। मंत्रालय जमीन के धरातल पर धसा हुआ था, मगर मैं मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अकबर इसलिए बड़ा था कि उसके पास नो ज्वेल थे, नो हीरे थे, मगर मैं इसलिए मानता हूं कि अकबर में यह छांटने की क्षमता थी कि वो हीरे सही हैं कि नहीं, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने सर्वश्रेष्ठ हीरा हमारे गुना जिले को प्रतिष्ठित करने वाला, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित करने वाले हमारे महाराज को चुना उस मंत्रालय के लिए। और आज मैं गर्व से सीधा हमारा चौड़ा हो जाता है जब हम प्लेन में जाते हैं और जब वहाँ कर यात्री लोग हमसे डिस्कस करके बोलते हैं कि सिंधिया जी ने यार क्या कमाल कर दिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय को बनाने में, आज कितनी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, हर जगह नए नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इसको कहते हैं काबिलियत मेरे साथियों। तो आज इस मंच से मैं गुना की जनता की ओर से आपको महाराज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपसे बस यही निवेदन है कि जो गलती हुई सो हुई, आप बड़े हैं, क्षमा बड़ों को शोभा देती है, गुना की जनता सदैव आपके साथ है, साथ थी और साथ रहेगी। धन्यवाद। शाम को तो ऐसा लगता है जैसे सैर के लिए निकलने का समय हो चुका है। आज जैसे महन सिंह जी कह रहे थे, कल 1:30 बजे रात को मेरा प्रवास समाप्त हुआ, आज सुबह 9 बजे से शिवपुरी से हम निकले हैं। चंदेरी ईसागढ़ होते हुए बमोरी, सिरसी, नानाखेड़ी और फिर गुना हम लोग आए हैं। और जो आप लोगों का प्यार मिला है, जो आप लोगों का आशीर्वाद मिला है, जो आप लोगों का बरदहस्त मिला है, ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है मेरे भाइयों की। धारा पहली माटी और फिर पार्टी, और स्वयं के लिए कोई जगह नहीं है इस पार्टी में, ममा के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इस पार्टी में आप आए हो तो सेवा भाव की सोच के साथ, भारत माता की सेवा की सोच के साथ। और आज इसलिए जब मैं गुना और सिरसी गया, करीब 70 करोड़ रुपए की योजनाएं हमने वहां उद्घाटन की। गुना से सिरसई पाटे की सड़क, और उसी के साथ 2 CMRI स्कूल, एक फतेहगढ़ में और एक बमोरी में, 40-40 करोड़ के। तो 140 करोड़ रुपए की शिलान्यास और लोकार्पण वहां हुई। और जब मैं गुना आया हूं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि यहां शिक्षा का शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, शासकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण, उसी के साथ साथ समग्र शिक्षा अभियान में